हेलो गाइस, मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। गाइस, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत विशेष है जो अपना छोटा व्यवसाय दुकान आदि चलाते हैं। उन लोगों के लिए वीडियो वाकई खुशियों से भरी है, मगर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो उत्तर प्रदेश राज्य में आते हैं, क्योंकि अभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सरकार ने एक घोषणा की है कि जिसमें यूपी के शहरी क्षेत्र के दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने जा रही है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है। निकाय ट्रेड के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन देने होंगे। अब निकाय ट्रेड के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन लेंगे। ये लाइसेंस भविष्य में 3 से 5 साल के लिए दिया जाएगा, अभी 1 साल के लिए दिया जा रहा है। निकाय को इसके लिए उपवधि में संशोधन का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार पारदर्शी व्यवस्था के लिए ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देने जा रही है, जिससे लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिल सके। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ट्रेड लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाते हुए ऑनलाइन आवेदन करने का मेथड अपनाया है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेश के निकायों को निर्देश दिया है कि ट्रेड लाइसेंस देने की व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाए। इसके साथ ही लाइसेंस शुल्क ऑनलाइन किया जाए। इसमें ये बताया गया है कि निकाय कौन कौन से ट्रेड लाइसेंस दे सकते हैं और इसके लिए कितना शुल्क रखा गया है। ट्रेड लाइसेंस तय अवधि में जारी करना होगा और व्यापारियों या कारोबारियों को किसी तरह का कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। लंबा खेल खत्म। निकायों में ट्रेड लाइसेंस देने के नाम पर लंबा खेल खेला जाता है। लाइसेंस देने के कार्यों में लगे अधिकारी आवेदनकर्ता को तरह तरह से परेशान करते हैं। अनावश्यक आपत्तियां लगाकर उत्पीड़न किया जाता है। इतना ही नहीं, लाइसेंस खत्म होने के बाद भी उसका नवीनीकरण नहीं किया जाता। इसलिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। निकाय के निर्देश दिया गया है कि वे नगर निगम उपवधि में संशोधन के लिए कार्यकारिणी और सदन से इसे जल्द मंजूर कराए, जिससे ट्रेड लाइसेंस लेने वालों को राहत मिल सके। गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें।